किया जाए तो वाराणसी की 8 विधानसभा फिर से कमल खिल चुका है, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि प्रथम रूप से मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक रविंद्र जायसवाल जी हैं, और हमारा उनसे यही उम्मीद है कि युवाओं को जो बेरोजगारी का मुद्दा है उन पर बेहतर और सुधारों के लिए काम करें, महंगाई कंट्रोल करें और स्वास्थ्य पर बेहतर रूप से काम करें, उनसे यही उम्मीद की जाए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। वाराणसी में फिर से 8 विधानसभा पे कमल खिला है, क्या जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखते हैं? जनप्रतिनिधियों से हमारा तो विशेष यही निवेदन है कि मालूम है शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी जो साफ सुथरा खर्चा और ये सब इतना काम हो चुका है कि इसकी तो धीरे धीरे जरूरत है, लेकिन एजुकेशन और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस देना चाहिए। क्या जनप्रतिनिधियों से कुछ और विकास के बारे में बात कर सकते हैं कि जो अभी विकास नहीं हुआ है वर्तमान में होना चाहिए? हमारे वार्ड और विधानसभा में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, और देखा जाए तो मालूम है हमारे जनप्रतिनिधि तो मालूम है 8 विधानसभा के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और उनके कार्यों के बल पे ही मालूम है वाराणसी का 8 विधानसभा उनको मिला है। ठीक बताइए। अमर कुमार, फिर से वाराणसी की 8 विधानसभा पे कमल खिल चुका है, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखते हैं? वही, हम लोग को शिक्षा और चाहिए और रोजगार चाहिए। क्या किया जाए, और कुछ विकास के बारे में बात कर सकते हैं? सड़क उड़क के पानी उनी नाली भी सही रहे, सीवर उवर सही रहे, अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हम लोग बेरोजगार हैं, और स्वास्थ्य चाहिए।